इज माई सेल्फ अभिषेक। तो यार ये OK90 ओके, और ये जो बेस वेरिएंट है वो है, इससे एक और ऊपर वेरिएंट आता है वो डिजिटल मीटर वाला वेरिएंट आता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ यार इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह मीटर्स की, तो मीटर डिटेल्स की बात करेंगे। तो यार ये इसका मेन लॉक है, और मेन लॉक को ऑन करते हैं यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लाइट देखने की मिल जाएगी, और इसमें अगर आप चाबी निकाल लेते हो ओके, तो 10 मीटर तक आप दूर जाके 10 मीटर तक दूर जाओगे जब तक इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। कीलेस ड्राइव देखने के लिए मिल जाती है आपको, जेब में रख के चला सकते हो आप इसको ओके। और यहाँ पे चाबी लगाते ही मैं आपको इसकी मोड्स वगैरह बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। तो यार यहाँ पे आपको इंडिकेटर स्विच देखने के लिए मिल जाता है टॉप पे ओके, यहाँ पे आपको इंडिकेटर स्विच देखने के लिए मिल जाता है टॉप पे, और स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है आपको यहाँ पे। और आपको यार सबसे पहले यहाँ पे एक पार्किंग बटन दे रखा है, वो दबाना पड़ेगा, उसके बाद में ये आगे बढ़ेगी। इसमें ये सिस्टम है और अच्छा भी है उसके हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड और इको मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लाइट ऑन ऑफ का स्विच देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे हॉर्न का स्विच देखने के लिए मिल जाता है, इंडिकेटर्स का देखने के लिए मिल जाता है, हाई बीम लो बीम देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड करंट मोड कौन सा चल रहा है वो देखने के लिए मिल जाता है, स्पीडोमीटर जो है स्पीड करंट स्पीड कितनी चल रही है वो देखने के लिए मिल जाती है, और जो वोल्टेज है वो देखने के लिए मिल जाता है, ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे आपको बैटरी चार्ज देखने के लिए मिल जाता है कि कितने बैटरी अभी प्रेजेंट में है इसके अंदर OK90 के अंदर ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार।